बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। और यहाँ पास मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी का रिव्यू वीडियो शूट करने। मेरे गाड़ी के 23,000 किलोमीटर हो गए हैं। अरे देखो क्या व्यू है भाई, एक नंबर व्यू है भाई। अपने को नीचे उतरना है, पकड़ पकड़ के उतरना पड़ेगा। अरे रे रे गया यार, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है, वीडियो बना नहीं पाता हूँ। तो भाई बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं यहाँ मोरभंज, और गाड़ी वहाँ पास मैंने खड़ी कर दी है, बहुत छोटी सी दिख रही है। अभी उसका भी वीडियो एक शूट करना है, उसका भी वीडियो अभी बना के डालूंगा यूट्यूब पे, क्योंकि 23,000 किलोमीटर हो गया, जैसा मैंने आपको बताया। तो एक ऑनरशिप टाइप का रिव्यू बना के अभी डालूंगा मैं। और एकदम मज़ा आ रहा है यहाँ पास घूमने में, देख सकते हो आप लोग, एकदम जहाँ तक नज़र जाए पूरा एक नंबर व्यू भाई, एक नंबर। अभी क्या होगा ना, थोड़ी देर में सूरज ढलेगा, तो उसके बाद जो व्यू होगा ना भाई, वो और तगड़ा व्यू होगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी कैमरा वगैरह रहता तो इतने अच्छे अच्छे सिनेमैटिक्स आते ना शाम को, भाई पूछो ही मत। और सामने जो वो पहाड़ दिख रहा है भाई, वो पिलखा पहाड़ है, जिसकी मैंने 3-4 वीडियो डाल रखी है पहले से चैनल पे, अगर नहीं देखी तो जाके देखना, बहुत अच्छी वीडियोस हैं जिसमें व्यूज़ नहीं आते भाई साहब। बड़ी समस्या है, व्यूज़ ही नहीं आते, मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का, फिर चालू करता हूँ व्यू नहीं आते, फिर बंद कर देता हूँ। बट मे बी दिस टाइम, इस बार तो नहीं छोड़ूंगा मैं, ऐसा मैंने सोच रखा है। अब आगे क्या होना है भाई, किसे पता। ₹25। तो भाई पोखरी आ गए हैं हम लोग, वो देख लो वहाँ पास बांध है वहाँ पास, और पर्ची वगैरह कटा रहे हैं, अभी चलते हैं अंदर। भाई अपन आ चुके हैं पोखरी में, और मतलब अभी तो बहुत अच्छा बना दिया है, देखो यहाँ पास बैठने वाला बना दिए हैं, उधर से जाने के लिए रास्ता बना दिए हैं। पानी पहले से ज़्यादा साफ दिख रहा है, लेकिन अभी भी गंदा ही पानी है ये। ज़्यादा भाई सूरज ढलने वाला है पूरा, एक नंबर।